मेरे पूरे भोजपुरिया समाज को, सभी दर्शकों को, उनके सबसे चहेते हीरो प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। और ये जो आप बात कह रहे थे कि लोग इतना अच्छा फोटो खिंचवा रहे थे, ये मेरे सौभाग्य की बात है कि आज मेरे दर्शकों ने, ये उन्हीं की देन जो आज मैं इस लायक में बन पाया हूँ कि मेरे दर्शकों ने मुझे इस लायक बनाया है। और मैं इस बात के लिए, इस चीज़ के लिए हमारे दर्शकों का, सभी मेरे श्रोतागणों का, मेरे दर्शकों का, जो भी चिंटू को देखते हैं, चिंटू को चाहते हैं, चिंटू को मानते हैं, चिंटू को प्यार करते हैं, उन सभी लोगों को हाथ जोड़ के मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा उन सभी लोगों का जिन्होंने अपना अथाह प्यार हमेशा सदा अपने इस बच्चे पर, अपने इस भाई पर रखा। काजल इज अ वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत फैंटास्टिक एक्ट्रेस है। और अभी जैसा कि मोहब्बत लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं हमारी जोड़ी को, हमारे काम को, तो ये मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे दर्शकों का और साथ ही साथ इस फिल्म के मेकर्स का, जिन्होंने इतनी खूबसूरत जोड़ी को इस फिल्म में प्रेजेंट किया है और साथ ही साथ इस फिल्म को इतनी खूबसूरती से बनाया है कि लोगों को बहुत पसंद आ रही है फिल्म, बहुत अच्छा, लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तालियां से तो खूब बजाता है। तो इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों का। और मैं हमेशा से ये आभारी रहता हूँ हमारे दर्शकों का कि जब भी वो अपना कीमती समय निकाल के और अपना जो कीमती पैसा है वो खर्च करके हमारी फिल्मों को देखने आते हैं। मेरा यही मानना होता है, जब भी मैं कोई भी सिनेमा का निर्माण, कोई भी सिनेमा की शुरुआत करता हूँ या किसी भी सिनेमा के लिए हाँ बोलता हूँ, तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य यही रहता है कि हमारे दर्शक जो पैसे खर्च करके जो वो सिनेमा देखने जाते हैं, तो मैं, मेरा ये पूरा कोशिश होता है, पूरा प्रयास होता है कि उनका वो पैसा मैं पूरा वसूल करवाऊँ। और वो ये ना बोले कि यार मेरा पैसा वसूल नहीं हुआ, बल्कि वो ये बोलना चाहिए कि मैंने इतना पैसा दिया उसका 10 गुना ज़्यादा वसूल हुआ, कि ताकि वो दर्शक बार बार फिल्में देखते रहें। और मैं ख़ास तौर पर हमारे सभी भोजपुरिया परिवार से, भोजपुरिया दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर फिल्म आप लोगों को दिल से अच्छी लगी तो बार बार देखिए, अपने आसपास के लोगों को बोलिए, अपने घर परिवार को बोलिए, पूरे परिवार को दिखाइए फिल्म। और आप लोग को अगर दिल से फिल्म अच्छी लगे तो आप सोशल वेबसाइट पर कहीं भी अपना कमेंट छोड़िए, पोस्ट छोड़िए और बताइए कि फिल्म कैसी लगी, अच्छी लगी है, बुरी लगी है, कैसी भी लगी है, अगर बुरी लगी है तो क्यों लगी है और अच्छी लगी है तो क्यों लगी है। तो आप अपने सोशल वेबसाइट पर अपने मन की बात रखिए, चाहे किसी भी सोशल वेबसाइट पर, चाहे यूट्यूब पर, चाहे फेसबुक पर, ट्विटर पर, जौन भैया आप लोग अच्छा लगे, जौन भी साइट अच्छा लगे, उस साइट पर जाके अपने अपना राय दीजिए हम सभी को। और हम सभी लोग आपके उस राय का इंतज़ार करेंगे और साथ ही साथ हमारी जोड़ी को देखते रहिए, पसंद करते रहिए। और अब मैं चाहूँगा कि हमारी काजल जी कुछ दो शब्द आप लोगों से बात करें। सर आपकी हाँ, ये एक्चुअली वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इसीलिए वो उन्हें सब अच्छे लगते हैं। और बस ये है कि चिंटू जी के साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही फिल्म में, ऑडियंस बहुत उसे अप्रिशिएट कर रही है। और मैं यही चाहूँगी कि ऑडियंस ऐसे ही प्यार आशीर्वाद अपना बनाए रखे हम लोगों पे और सभी कलाकारों पे, ताकि वो ऐसे ही काम करते रहे और आप लोगों को एंटरटेन करते रहे। जैसे कि आपको सोनाक्षी सिन्हा कहा गया जी, तो सर के लिए आप क्या देना चाहिए बॉलीवुड के एक्टर से कंपेयर कर? सर के लिए वो वन एंड ओनली चिंटू पांडे ही बेस्ट है, क्योंकि उनकी तरह ना कोई है और ना ही कोई बन सकता है, यू नो। हाँ, क्योंकि यू नो वो यूनिक है ही, तो जैसे कि मुझे सोनाक्षी का मैं कहीं ना कहीं लगती हूँ, बट वो अपने में ही सुपर स्टार है, तो उनको कोई नाम नहीं मैच सुपरस्टार बनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा पराया सा फील। नहीं नहीं, और मैं हमारे दर्शकों का और आप सभी लोगों का, जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का बहुत ही करीबी बनकर रहना चाहता हूँ, बहुत ही परिवार का। जैसा मेरा नाम है चिंटू, तो चिंटू एक घर का बच्चा होता है, घर का सदस्य जैसा नाम होता है, हर घर परिवार में एक चिंटू नाम का सदस्य मिलेगा। और मेरे लिए सबसे बड़े खुशी की बात है, मेरे सौभाग्य की बात है कि मुझे सच में लोगों ने अपने घर के परिवार का एक बच्चा ही माना, एक बच्चा समझा है, जो मैं हमेशा प्रयास करता हूँ क्योंकि घर का बच्चा बना रहूँ। और मैं ये अपील करूँगा आप लोगों से, निवेदन करूँगा कि ये प्यार, ये आशीर्वाद सदा बनाए रखें, हमेशा बनाए रखें, ये प्यार कभी कम ना होने दें और हमेशा ये प्यार को और बढ़ते रहने दें और बढ़ाए रखें। जो भी फिल्में हैं उन सारी फिल्मों को प्यार दें, आशीर्वाद दें। और साथ ही साथ मैं काजल जी के लिए बोलना चाहूँगा कि जो प्यार, जो आशीर्वाद आपने बाकी अभिनेत्रियों को दिया है, वही प्यार बल्कि उससे ज़्यादा प्यार इन्हें दें और इन्हें एक सफल अभिनेत्री बनाएं। और ये मैं इन्हें देखता हूँ शूटिंग पे, ये काफ़ी मेहनत करती हैं, काफ़ी कोशिश करती हैं कि वो अपना बेस्ट दें, अपना अच्छा करें, कि ताकि आप सभी दर्शकों का मनोरंजन हो, अच्छी तरह से मनोरंजन हो और हम सभी की मेहनत को सफल करें। आजकल बहुत गर्मी बढ़ चुकी है, तो किस तरह से आप कर रहे हैं गर्मी को टैकल? ये देखिए पसीना, देखिए दरअसल हमने के देहात में कहा जाए कि जीवन की असली मजा गर्मी में, जवन मजा गर्मी में आवेला, वो कौनो महीना में ना होला। ना ना गलत, ठंडी बाकी अभी ठंडी ने तो अपन मजा लेने के बाद बाकी हम फिर से लौटते अपने मुद्दे की ओर, मोहब्बत की ओर।
तो मोहब्बत देखते रहिए, यही अपनी मोहब्बत अपनी परिवार के साथ, पूरे दोस्त यार के साथ, समूह के साथ अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाके देखिए। आप सभी के नज़दीकी सिनेमाघरों में लगी है मोहब्बत, ज़रूर जाए और अपनी अपनी राय ज़रूर दें।